जय हिंद जय भारत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज्वार और भाटा के बारे में। तो ये सबसे पहले समझते हैं ज्वार और भाटा क्या होता है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जो हमारे समुद्र में बड़ी बड़े लहरें उठती हैं, जो छोटी छोटी लहरें उठती हैं, उसे हम लोग ज्वार और भाटा के नाम से जानते हैं। अब ये बड़ी लहरें कब उठती हैं, छोटी लहरें कब उठती हैं, इस चीज़ के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। तो वो ज्वार दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं उच्च ज्वार, एक को बोलते हैं लघु ज्वार। इंग्लिश में हम लोग बात करें तो स्प्रिंग टाइड और एक को बोलते हैं नीप टाइड। तो आइए हम समझते हैं कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है और नीप टाइड क्या होता है। स्प्रिंग टाइड आइए सबसे पहले समझते हैं। स्प्रिंग टाइड में दो पोजीशन होती हैं, एक होता है युति की स्थिति, एक होता है व्युति की स्थिति। एक होता है कंजंक्शन पोजीशन, एक होता है अपोजिशन पोजीशन। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग यहाँ पे युति की स्थिति को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अर्थ और ये अर्थ का परिक्रमा कर रहा है, ये हो जाएगा मून, यानी कि हम लोगों का चांद जो कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और ये हो जाएगा हमारा सन। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से समझिए, ये हमारी पृथ्वी, ये चांद और ये हमारा सूरज। ठीक है, अब देखिए ये 180 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ये कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये तीनों एक लाइन में, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि एक को छोड़ दिए हैं, हमारी ये पृथ्वी को ये लोग छोड़ दिए हैं, अब दो मिलकर हमारी पृथ्वी को ही खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, अपने ये गुरुत्वाकर्षण से यहाँ पे ये चांद क्या कर रहा है कि हमारी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, और यहाँ पे सूर्य भी हमारी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों मिलकर हमारी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए आपका एक दोस्त खड़ा है और दो लोग मिलकर उसे ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ताकतवर है, वो बोल रहा है खींचो हमको, कितना तुम लोग खींच पाते हो हम भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे तो डगमगा जाएगा, लेकिन उसको कोई खींच नहीं पाएगा। उसी तरह हमारी पृथ्वी पे लगा रहे हैं सब बल, ये दोनों मिलकर हमारी पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं बल, और ये भी बोल रही है पृथ्वी खींचो हम भी देखते हैं कि तुम लोग में कितना पावर है। और सन जो है इसका ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण पावर है वो बहुत ज्यादा है, और जो चांद है उसका गुरुत्वाकर्षण पावर बहुत कम है। लेकिन होता क्या है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भले ही कम हो, लेकिन ये पृथ्वी के नजदीक स्थित है, इसलिए ये अपना पृथ्वी पे अधिक पावर लगाएगा, अधिक बल लगाएगा, और जो सूरज है वो पृथ्वी से दूर है, तो ये क्या करेगा कि पृथ्वी पे उतना बल नहीं लगा पाएगा जितना कि चांद लगाएगा इस पे बल। ठीक है, तो देखिए ये दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं हमारी पृथ्वी को, और पृथ्वी पे क्या है 71% पृथ्वी पे 71% पानी मौजूद है, 71% पृथ्वी पे पानी मौजूद है। तो पृथ्वी को नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन उसमें जो पानी है उस चीज को ये लोग थोड़ा सा ये लोग खींच ले रहे हैं, जिसके कारण समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, और जब समुद्र में लहरें उठने लगती हैं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, अगर रियल में भी देखे होंगे या फिर आप लोग टीवी में या फोन में तो जरूर देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, और कोई कोई होता है बहुत छोटी छोटी लहरें उठती हैं, तो जो छोटी छोटी लहरें उठती हैं उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, और अभी आइए हम लोग बड़ी बड़ी लहरें के बारे में ही समझते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, और ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, जब ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारा जो होगा वो स्प्रिंग टाइड होगा। एक होता है युति की स्थिति, अब हमने युति की स्थिति को समझ लिया, इसी को युति की स्थिति बोलते हैं। अब देखिए बात है हम व्युति की स्थिति में। ठीक है, यहाँ पे बस भी लगा देंगे, व्युति की स्थिति हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये हमारा व्युति की स्थिति क्या होता है कि यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पे हमारा मून हो गया, और यहाँ पे हमारा सन हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि चांद अपनी तरफ इधर पृथ्वी को खींचेगा और सूर्य इधर खींचेगा, अब वो फंस गया, अब दोनों तरफ से उसे ऐसे खींच रहे हैं, पकड़ के एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है। इस कंडीशन में भी भयानक भयानक लहरें उठती हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ बल लगा रहा है। अब चांद, मैंने आपको बताया था कि ये जो उतना पावर नहीं, ये सूर्य उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पाएगा, उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाएगा जितना कि चांद लगाएगा, क्योंकि चांद पृथ्वी से पास है और ये जो सूर्य है वो काफी ज्यादा दूर स्थित है हमारी पृथ्वी से।
ठीक है, तो इस स्थिति को बोलेंगे व्युत्ति की स्थिति। इसमें भी 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें भी 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। कुल मिला के आपने समझ लिया स्प्रिंग टाइड क्या होता है, ठीक। एक बार मैं आपको और बता दूं, 180 डिग्री का एंगल बनता है वो होता है हमारा स्प्रिंग टाइड, ठीक है। लघुज्वर क्या होता है यानी कि नीप टाइड क्या होता है, देखिए हमारा लघु ज्वर क्या होता है, इस चीज को पहले हम मिटा देते हैं स्प्रिंग टाइड को, क्योंकि स्प्रिंग टाइड हमने पढ़ा दिया टोटल, बेकार में जगह ले रहा है। देखिए लघु ज्वार जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसे हम लोग लघु ज्वार कहेंगे, जिसमें 90 डिग्री का ज्वार एंगल बनेगा उसे हम लोग लघु ज्वार कहेंगे। इसमें उतनी ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठती हैं जितने की स्प्रिंग टाइड में लहरें उठती हैं। इसमें थोड़ी बहुत लहरें उठती हैं, उतनी बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठती हैं, उतना बड़ा ज्वार नहीं आता है, थोड़ा बहुत ज्वार आता है इसमें अगर हम लोग स्प्रिंग टाइड के मुकाबले बात करें तो, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये हमारा अर्थ हो जाएगा, इसमें मून को ऊपर भेज दिया है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मून हमारा और यहाँ पे हो जाएगा सन। अब इनमें क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो अब ये क्या कर रहा है, सन अपनी तरफ इधर खींच रहा है, चांद इधर खींच रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप लोग देख के बताइए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा लघु ज्वार यानी कि नीप टाइड, इसी को बोलते हैं नीप टाइड, ठीक। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो ऐसे होता है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और एक जो ये चांद परिक्रमा करते 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 यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर हट जाएगा, एक इधर आ जाएगा मून। तो इसमें भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, इस चीज को देख सकते हैं। अब ये इधर हो जाएगा चांद, अब इस तरफ खींचेगा पृथ्वी को, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो ये लघु ज्वार होता है, ये दोनों कंडीशन होती है, लेकिन दोनों कंडीशन में जो एंगल होता है वो सेम होता है, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा इन दोनों कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं कि आखिर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, यानी कि किस चीज की वजह से जो मेन है वो हमारा ये होता है ज्वार आता है, यानी कि टाइड आता है, ठीक है। तो उसका आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला, आप लोग इतना वीडियो देखे हो, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। लेकिन देखिए आप लोग एक चीज और देखिए, एक होता है घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी पर 71% पानी मौजूद है, 71% पानी मौजूद, ठीक है। और उसी पानी से जो है वो पृथ्वी अब घूम रही है, उसमें 71% पानी मौजूद है, और जो हमारी वो पृथ्वी क्या हो रही है, ऐसे 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 जो हमारी अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है, और जब पृथ्वी हमारी अक्ष पे घूम रही है हल्का फुल्का उसका पानी लेगा, ये एकदम सी कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए, उसको ऐसे 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 उसको घुमाइए, ठीक है। जब आप उसको घुमाओगे ना ऐसे, तो पानी थोड़ा बहुत तो जरूर मिलेगा, मान लीजिए एकदम आप बैलेंस कर ले रहे हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी जरूर हिलेगा। तो जब वो पानी हिलता है, हमारी जो पृथ्वी घूमती है, पानी जैसे एक को इंच हिला तो सूर्य चंद्रमा उसे अपनी तरफ खींचने लगेंगे, जिसके कारण लहरें उठने लगेंगी समुद्र में, और उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वार और भाटा। तो इसमें तीन चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चांद का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।